नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सुनिए नेताजी, अब चुनाव आने वाला है और नेता हर घर तक पहुंचेंगे, वोट भी मांगेंगे और मांगे भी पूरी करेंगे, मगर वोट लेने के बाद फिर कभी दोबारा से इधर मुंह नहीं करेंगे और जनता फिर 5 साल इन नेताओं के चक्कर काटेगी। लेकिन अब फिर से मौका है, चुनाव सर पर है, किसी भी वक्त डिक्लेयर होंगे। और मंडी डबवाली नगर परिषद की तेज हरियाणा ने ग्राउंड जीरो से तमाम मुद्दों को उठाने की शुरुआत की है। अब गौर से नेताओं को सुनना होगा। मैं इस वक्त डबवाली के वार्ड नंबर 6 सुंदर नगर में हूँ। कहने को नाम बड़ा सुंदर है, मगर यहाँ पर सुंदरता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। यहाँ के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो डबवाली नहीं बल्कि किसी और कंट्री के हिस्से में आ गए, कि उनको आज तक इस डबवाली का और इस वार्ड नंबर 6 का अप्रूव्ड माना ही नहीं गया है, बल्कि ये अप्रस्तावित कॉलोनी बनाकर रखी गई है, जहां पर मूलभूत जो आधारभूत जो यहां की जरूरतें हैं आज भी लोग उनसे महरूम है। हम ये सवाल उठाएंगे और तमाम जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे वार्ड नंबर 6 जो कि सुंदर नगर है, यहां पर आप गलियों की समस्या देखेंगे, पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या और भी जो जरूरी यहां पर लोगों को जरूरतें हैं। सबसे बड़ा मसला इस कॉलोनी का है, जो कि कागजों में इन लोगों ने जो सरकार से सी विंडो पर ये जवाब मांगा तो उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि ये नियमित कॉलोनी में शामिल नहीं है, यानी ये अप्रूव्ड नहीं है जहां पर विकास कार्य करवाए जा सकें। और लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार है, नेताओं को वोट लेने का अधिकार है, लेकिन इनके काम और इन्हें प्रूव करने का कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलता या वक्त नहीं मिलता, ये नेताओं से पूछेंगे। लेकिन जनता का कसूर क्या है ये भी हम उन नेताओं से पूछेंगे। मेरे साथ तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, गलियों की समस्या, पीने के पानी की समस्या, तमाम समस्याएं हैं। माता जी, क्या नाम आपका? मेरा विमला देवी। विमला जी, क्या मुश्किलें आपको आ रही है? कभी यहाँ पर जो वोट मांगने आपके पार्षद आए थे, उस वक्त चेयरमैन आए थे, नेताजी द्वारा दिखे कभी? उन्होंने इस तरह कही थी बना दे, बुधवार मुड़के कौन देखी आन के, यहाँ पर कोई नहीं देखता, वोट तो ले लेते हैं, मुड़के कोई देखता ही नहीं यहाँ आके, भी क्या बना है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, यहाँ पर अंधे आदमी भी है, यहाँ कैसे टूटे बताओ, ना कोई सीवर है यहाँ पर, ना कोई गलियां, ना कोई पानी की पेप, बहुत जोर की समस्या है जी। तो कभी आपने आपके पार्षद को बोला है? हमने ये लिख के भी दे दिया, ठीक है, ते ये भी हमारी गली बननी चाहिए, हाँ सीवर पहना चाहिए, ठीक है। पीने का पानी पहुंचता है? पीने का पानी बहुत गंदा आता, हाँ, यहाँ बीमार पड़े सारे। कभी अधिकारी आए यहाँ पर आपको देखने संभालने? वो यहाँ पर आए, देख के चले जाते हैं, करते कुछ कुछ नहीं करते यहाँ पर। तो आपने सीएम विंडो लगाई, तहसीलदार से भी पूछा कि हम रजिस्ट्री करता है, हम बिल भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हाँ। क्या जवाब आता है? वो बोले जवाब आएगा जब हम बता देंगे। और 5 साल निकल गए? 5 साल निकल गए, ज्यादा ही हो गए, ठीक है। अब फिर चुनाव आने वाला है, क्या सोचा है? हमने तो यही सोचा है, जो हमारा काम करेगा ना उसको हम सरेआम वोट गिराएंगे जितने भी हैं, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग, उनसे जानते हैं, क्या नाम है जी आपका? अनीता शर्मा। अनीता जी, क्या समस्याएं आपके वार्ड की आ रही हैं? बस यही है, सीवरेज पानी की ज्यादा समस्या ही, बस यही आ रही है, और कोई समस्या नहीं है। क्या बात है कि 5 साल बीत गए, आपने जब वोट डाला था, आपके पार्षद आपने चुना, आपके बीच में आए, मांग पूरी की आपकी? जी सर आए थे, पर वो सुनवाई तो नहीं करते, जब आते हैं वोट ले लेते हैं चले जाते हैं, बोलते भी हम काम कराएंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। अब फिर वोट आने वाले हैं, क्या सोचा आपने? जी सर अब वोट नहीं देंगे, यहाँ बोर्ड लगा देंगे बार के आगे, सभी गलियों के आगे बोर्ड लगा देंगे, हम वोट नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, हम अनप्रूव्ड एरिया बोल रहे हैं ये हमारा, तब तक। तो आपने नेताओं के पास नहीं गए, जिन नेताओं ने वोट मांगे, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी, सबके पास जाके आए हम, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई कहीं भी, सबके पास जाए, सबके पास एप्लीकेशन दे दी, किसी ने सुनाई नहीं करी सर हमारी, ठीक है। क्या नाम है माता जी? गोदावरी। ठीक है, क्या क्या मांग करते हो आप भी? भाई सीवर बनना चाहिए, पानी आना चाहिए भाई, सड़का बननी चाहिए, फिर और क्या होना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, क्या समस्या आ रही है आपको लगता है? आप गलियों के हालात देखो, ठीक है, ये देखो की हो रहा है, कोई पब्लिक नु जाना आना दिक्कत बड़ी है, साइकिल नहीं चल रही, क्या करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कोई गली नहीं पक्की, कोई सीवर नहीं, कोई पानी नहीं आ रहा। लेकिन सरकार और प्रशासन तो सुंदरता के नाम पर बहुत पैसा लगा रहे हैं, पैसा सुंदर पैसा, ये पैसा ले लेते हैं, लीडर लोग खाई जाते हैं, ऊपरों आई जाता है, खाई जाते हैं, गरीब बंदे का कौन संभालता है, उस टाइम ते संभालते हैं जिस टाइम ते वोट लेना होता है,
उस टाइम में गली में आते हैं चले जाते हैं, चल भी वोट डाल देंगे अपने आप धक्का खाएगा गरीब। तो अब फिर वोट आ रहे हैं जी, अब फिर नेता आएंगे, वोट आएगा तो फिर देखेंगे क्या बनेगा, क्या डालेगा, कौन से सरकार आएगा, जो बना देगा उसको डाल देंगे, जो गलियां बनवा देगा उसको डाल देंगे। हाँ गलियां की लोकेशन देख लो। ठीक है ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या क्या समस्या कब से आ रही है जी आपको? कितने सालों से माता जी देख रहे हो ऐसे? संता जी 25 साल हो गए ऐसे बैठे हो? ऐसे बैठे यही समस्या सीवर दी देख लो, साड़ी कंडीशन कहो जी होई पई है, सानू सीवर भी जरूरी है, पानी गंदा आ रहा सानू ओ भी जरूरी है, ठीक है पक्की गली भी सानू जरूरी है, सानू की नहीं चाहिदा इन्नी गंदी बीमारी भैन के चली जांदी है, असी जाइए तो जाइए किथे, किनू जाके कहिए, जे कोई आउंदा है खड़ा हो जाता है उठ खड़ते अगले भज जाते लैके वोटा, अब वोट नहीं देंगे असि, बस साड़ी यही बस ख्वाहिश पूरी कर दे सरकार, जेड़ा कोई बनता है तो बनाऊगा तो वोट ले लूगा, नहीं साड़े कोई वोट नहीं गी, कुछ नहीं गा, असं आपके महल च बढ़नी नहीं। आप लोग टैक्स भरते हो, कोई बिल भरते हो? भरते हैं लाइट का भरते हैं, टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, ते ओ किवें लै लैंदे आ वोटां साडियां, ओ किवें लै जांदे आ, मुड़ के साडी बात ही नहीं पुछदा, कोई एमसी बन गया आपके घर पाउण ते ला लै जोर खा लै पैसा तुर गए, सानू बस उत्थे दी उत्थे उत्थे दी उत्थे असी सागी थां ते बैठे हैं, बस आपके बच्चे पालदे आ कमाउणे आ खाणे आ, बस साडी कोई पुछदा सा है ही नहीं। मैडम जब आप बिल भरते हो सब कुछ आप टैक्स अदा करते हो, और सी विंडो में ये लिखा है कि आपका एरिया है वो नगर परिषद डबवाली में सरकार द्वारा नियमित किए गए एरिया कॉलोनी में शामिल ही नहीं है, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया, ये एक डिमांड आपकी, समस्या नहीं है ये डिमांड आपकी, वो तो ये कह रही है सरकार तो डिमांड क्यों आंटी, ये तो अभी करने वाला काम है, करने वाला काम है, करेंगे 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 कर देगा, फिर उसके बाद सुनाई तो को नहीं होगा, फिर सुनाई तो नहीं होने लग रही, फिर करो करो करके छोड़ दे, उसके बाद कोई तो बात नहीं होने लग रही हमारी, अनप्रूव करके रुक जाता सी, पर ओते के में वो नहीं एरिया, वो भी एरिया आपके जो जैसे सुंदर नगर आपके वार्ड का नाम है, तो उसके स्टार्टिंग में जब निकलते हैं वहाँ पर तो पक्की सड़क है, कुछ भी नहीं है साढ़े गाँव तक, गाँव तक है गाह जाके, हाँ जी बार बार सानू तो कोई सुविधा नहीं ना उसकी, कोई भी सुविधा नहीं सानू, जो साड़ी गली है सातों आ नहीं पार हो रही, साढ़े बच्चे नहीं सुरक्षा जा पहुंचने स्कूलों च, ठीक है वो तुर के जाते उच्चिया गलिया च चढ़ते बेचारे जाके, फिर इतो इन्नी सर्दी देखो हूँ साडा हाल, खालिया के कोई मशीनरी नहीं लंघती, रक्षा नहीं टपदा, साइकिल नहीं टपदा, सानू तो इन्नी औखी इन्नी दिक्कत है। माता जी आप कुछ कह रहे थे लोन, लोन क्यों नहीं मिलता? लोन भी नहीं मिलता, कहते प्रूफ में नहीं है, अनप्रूव्ड एरिया, लोन भी नहीं मिलता गरीबों का, तो मतलब आपको अगर वित्तीय सहायता चाहिए तो आपकी सबसे बड़ी मुश्किल है कि आपका एरिया अप्रूव्ड नहीं है? हाँ अप्रूव्ड नहीं है, ये कह देते हैं बोला नहीं मिलता, अप्रूव में नहीं है तुम्हारा, ठीक है। भाई साहब कैसा लगता है डबवाली का सुंदर नगर? सुंदर नगर का तो ये है सुंदरता, तो आप बैक से स्टार्टिंग से देखा तो था ना, अपना बैकअप तक ही पता लग जाएगा कि कुछ है लोकेशन का, आपको भी कहने की लोड नहीं है ना किसी को, लीडर को, यहाँ लीडर आके 10 मिनट बैठे चेयर पर हमारा कहना पानी पी के दिखा दे, ठीक है हमारे तो यही समस्या है, ये पानी और ये गलियां की लोकेशन देखो आप ही खुद देखो, आप आगे चल के साथ देखो आगे हो गए अपने वहाँ से स्टार्टिंग हो जाए, वो सुंदर नगर का 6 वार्ड है तो ये 6 वार्ड के अंदर फिर ये क्यों है रिजेक्ट है? हाँ हमारे तो यही डिमांड है भी हमारा काम जो भी एस सी वाले पानी तो मिलेगा नहीं तो वोट नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा, पैसे दिए ही आधा आधा पैसे दे दिए, ठीक है। ये तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े थे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ये वार्ड नंबर 6 सुंदर नगर के जो लोग हैं जिनकी सबसे बड़ी समस्या कहने को डबवाली में तमाम सुविधाएं जुटाने की जो सरकार और प्रशासन की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, मगर धरातल पर जब आप देखेंगे तो मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आएगी। ये हम आपको गली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जब इस इलाके में आप खड़ेंगे तो आपको बहुत ही पिछड़ापन यहाँ पर नजर आएगा, लोगों की इस दुर्दशा पर आपको देखकर दुख भी होगा, लेकिन क्या करें मजबूरी है, इन लोगों को इसी दशा में जीना पड़ रहा है, मगर अब चुनाव सर पर है, ऐसे में अब फिर से वक्त आ गया है लोगों को जागने का, अब सावधान हो जाने की आवश्यकता है, नेता फिर से इसी चौखट पर इसी दरबार पर आकर वोट मांगेंगे, फिर से बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाएंगे लेकिन 5 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, सवाल है क्या इसकी जवाबदेही नहीं बनती है, क्यों नहीं यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के पार्षद, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के प्रशासन ने इस बात को जरूरी समझा कि इन लोगों की इस जीवन दशा को कायापलट की जाए, इन लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए और जो वास्तविकता है उसको समझते हुए यहाँ पर इसे अमली जामा पहनाया जाए, मगर
सुनिए नेताजी में, खैर इतना ही। लगातार आपको डवाली के हर वार्ड से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे, जवाब मांगेंगे तमाम नेताओं से, नुमाइंदों से। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।